कश्मीर, जिसे पौराणिक कथाओं में ऋषि कश्यप की भूमि कहा जाता है, सनातन संस्कृति की प्राचीन धरोहर रही है। लेकिन 1990 का वो काला अध्याय जब घाटी से कश्मीरी पंडितों का जबरन पलायन हुआ, इस भूमि पर सनातन की लौ बुझने लगी। मस्जिदों से ऐलान किया गया कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं और उन्हें कश्मीर छोड़ना होगा या इस्लाम कबूल करना होगा, नहीं तो मौत का सामना करना होगा। हजारों कश्मीरी हिंदू अपने ही घरों से बेघर हो गए और कश्मीर में आतंक का साया गहराता चला गया। 1990 के दशक में उग्रवाद के उदय और हिंदुओं के पलायन ने घाटी को अंधकार में धकेल दिया, जहां आतंकवाद का बोलबाला हो गया और सनातन संस्कृति का नामो निशान मिटता चला गया। 2019 में धारा 370 के खात्मे ने इस अंधकार को मिटाकर एक नए सवेरे की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर की सनातन विरासत का पुनर्जागरण हुआ है। वर्षों से बंद पड़े प्राचीन मंदिरों के द्वार अब खुल रहे हैं और घाटियों में एक बार फिर से धर्म की गूंज सुनाई देने लगी है। अनंतनाग का मारतंड सूर्य मंदिर, जो देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, अब अपने सौंदर्यीकरण के दौर से गुजर रहा है। गुलमर्ग का 109 साल पुराना शिव मंदिर अब शिव भक्तों के लिए पुनः खोला गया है। इसके साथ ही देचर नाग मंदिर के कपाट 35 साल बाद भक्तों के लिए खुले हैं और पुलवामा के बरारी मौज मंदिर में 30 साल बाद घंटियों की ध्वनि गूंज रही है। शीतलनाथ मंदिर के द्वार भी 31 सालों के बाद भक्तों के लिए खोले गए हैं। इन मंदिरों के अलावा जम्मू में भगवान बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी की भव्य मंदिर का निर्माण 2023 में पूरा हुआ। 25 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर का उद्घाटन सनातन की गौरवमयी धरोहर का प्रतीक है। वहीं कुपवाड़ा के टीटवाल गांव में शारदा मंदिर, जिसे 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों ने नष्ट कर दिया था, वहाँ 76 सालों के बाद 2023 में पहली बार नवरात्रि पूजन हुआ। ये मंदिर पाकिस्तानी सेना की चौकियों से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन फिर भी सनातन की ज्योति यहाँ पुनः जल उठी है। आज कश्मीर की घाटियों में विकास और धर्म का अद्वितीय संगम हो रहा है। अवंती स्वामी, शंकर गौरीश्वर, पांद्रेथन मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार तेजी से हो रहा है। मोदी सरकार में कश्मीर में सनातन का सूर्योदय हो रहा है और ये भूमि एक बार फिर से धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध हो रही है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि पर्यटन भी अपने चरम पर है। 2019 में धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 2020 में 34 लाख, 2021 में 1 करोड़ 13 लाख, 2022 में 1 करोड़ 88 लाख और 2023 में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक कश्मीर की धरती पर पहुंचे। 2024 के पहले 6 महीनों में ही 1 करोड़ से अधिक पर्यटक घाटी का रुख कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अब सिर्फ विकास की राह पर नहीं, बल्कि समृद्धि और सशक्तिकरण के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। सनातन की जयकार अब कश्मीर की वादियों में फिर से गूंज रही है और ये भूमि, जो कभी आतंक का गढ़ थी, अब शांति, समृद्धि और सनातन धर्म का प्रतीक बन रही है।